गांव के दबंग ने परिक्रमा मार्ग पर बनाया मकान। जनपद मथुरा की गांव करारी के ग्राम प्रधान के द्वारा अपनी ग्राम पंचायत में रास्तों का निर्माण कराया जा रहा है। गांव के रास्ते की खस्ता हालत जो सुधर रही है उससे ग्रामीण खुश हैं, लेकिन गांव के कुछ दबंगों के द्वारा रास्ते में मकान बना लिया है जिससे रास्ता छोटा हो गया है। वहां से निकलना वाहनों के लिए मुश्किल है। तब उनसे ग्रामीण गांव ग्राम प्रधान के द्वारा शिकायत की गई तो वह लड़ने को उतारू हो गए और गंजे का निर्माण कार्य भी रखवा दिया। इसकी शिकायत ग्राम प्रधान धर्मवीर के द्वारा उप जिलाधिकारी नितिन गौर छाता से भी की गई कि यह गांव का मुख्य मार्ग है और परिक्रमा मार्ग भी। यह जानकारी ग्राम प्रधान व ग्रामीणों ने दी। क्या नाम है? पप्पू। अच्छा, क्या समस्या है? रास्ता की समस्या है जी। क्या कैसे? रास्ता रोका पड़ो जी हमारे। किसने रोक रखा है? इसरी जी ने। इसरी इसराइल। कैसे रोक दिया? दबंगों ने इसे रोक दिया जी। जब कैसे रास्ते का निर्माण हो रहा था? क्या निर्माण हो रहा? ना होने दिया उन्होंने, नहीं होने दिया। क्यों, क्या कहते हैं वो? ना लगन दे रहे। क्या कारण है? दबंग पानी से ना लगन दे रहे। क्या नाम भैया? जमशेद। कहाँ के रहने वाले? परहारी। अच्छा, क्या समस्या है? रास्ता निकल रहा सर इसराइल और इसरी, लगन नहीं दे रहे। अच्छा, ये नहीं बनने दे रहे। हाँ जी। क्या कारण है? दबंग पने से नहीं निकलन दे रहे। अच्छा, रास्ते में क्या बना रखा उन्होंने? मकान बना रखा रास्ते में बना रखा। हाँ जी। तो सिर्फ बोलते हैं तो क्या हटाता है? नहीं हटाता नहीं है। नहीं। अच्छा, पूरा मकान रास्ते में आ रहा है कैसे? ना कुछ है। कुछ है दीवार आ गई तो फिर क्या कहते हैं? हटाते नहीं है। अब ग्राम प्रधान जैसे निर्माण करा रहे हैं तो उनका क्या कहना है? वो हटाते नहीं, गाड़ी का लॉन्च करते प्रधान से भी। हाँ जी। आप जमाल, क्या समस्या है? समस्या यह है जी कि गांव को बहुत मोटी परेशानी है। सब घास से रास्ता निकल आया, काई से हाथ जोड़कर घटा बढ़ाकर घर की जो जमीन है उनमें से भी रास्ता दिया है। अच्छा। आगे रास्ता चलाया है तो आगे जीतल और इसरी और इसराइल ने रास्ता रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या कारण? तीनों लोग हैं, रोक दियो जी। वो गाँव समाज में कुछ जगह बनी हुई हैं, चक्रोड़ दाब रखी है, आगे रास्ता छोटो है, इसलिए कि यहाँ का नहीं बन दूंगा मैं, ऐसे बना दूंगा। तो चक रोड में मकान बने हुए हैं, लेटरिन बाथरूम रास्ते में बना रखे हैं। तब उनसे बोलते हैं तो हटाते नहीं। हटाते नहीं है, दबंग पार्टी है, मानते किसी के है नहीं। परकम्मा भी नहीं है गांव के लिए, बिल्कुल हिंदू उनके लिए किसी का ही परकम्मा नहीं है। जो भी गाँव समाज दबी हुई है, पूरी दबी हुई है। तो ये क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह। ये क्या समस्या है? समस्या ये गांव का परकम्मा मार्ग है, कागजों में चक्रोड़ दर्ज है जी। और जो है थोड़ी सी जमीन बंजर की है, जो गांव का पूरा परकम्मा मार्ग है। 70-80 घरों का रास्ता है। इसराइल जीतल इन्हें रास्ता रोक रखा है, खनंजा इधर से लग गया, इधर से लग गया, बीच में रास्ता रोक दिया। गाँव के लोगों को 70 घर आने जाने वालों को रास्ता विरुद्ध है। मैंने शासन से कई बार मंगल दिवस में एप्लीकेशन दी है, अभी तक शासन ने कुछ सुना नहीं है। शासन आश्वासन देता रहता है, एक बार लेखपाल भेज दिया, लेखपाल जांच कर गया, जांच करने के बाद लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आज तक शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई ना करी। गांव में कभी कोई दोष भावना फैल सकती है। कैसे रोका है रास्ता? क्या कारण है? यह रास्ता उसमें चक्रोड़ में मकान बना लिया है, बंजर में मकान बना लिया है, इधर उधर से गाँव लोगों के औरों के मकान हटवा दिए गए। ये दबंग बने पे लोग अपने मकान को नहीं हटा रहे। शासन के इसलिए शासन प्रशासन की हम मदद लेना चाहते हैं। कई बार मैंने एप्लीकेशन दी है, गांव के लोग गए हैं, गांव चिल्ला रहा है, गांव इसके बाद अभी एक हमारी आत्माओं पर ठेस पहुंचा रही है।